एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर स्वागत है। हमारे सर का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सर हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं स्कूल में। उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी, और वो है एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो जैसा कि आप सभी लोग जो जो मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं अगर मेरे इसी इनिशिएटिव का पार्ट बनना या हमारी इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा अपना नंबर की, ताकि मैं आप सभी लोगों से कांटेक्ट कर सकूं, ताकि मैं आपके हिडन टैलेंट, हिडन पैशन और हिडन व्हाटएवर यू हैव, मैं उसको एक्सप्लोर कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए मुलाकात करते हैं हम हेडमास्टर साहब से और सुनते हैं उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी एक अच्छे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो सर प्लीज सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि ताकि ऑडियंस को ये जान सके कि आप भी पूरी जोश के साथ में आज भी काम कर रहे हैं अपने देश के प्रति। जी देखिए सर, मैं सबसे पहले अपना नाम प्लीज। जी मैं बताता हूँ, देखिए मेरा नाम सुहेल आजम और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरमई विकासखंड काजर चौक जनपद बदायूं कार्यरत हूं और वहां हेडमास्टर के पद पर काम कर रहा हूं। सर आपका वैसे जो जन्म है वो कहां हुआ था? जी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मेरा जन्म ग्राम लोहाखेत, पोस्ट रमजानपुर, थाना काजर चौक, जनपद बदायूं। मेरा छोटा गांव जिसमें लगभग 2,500 की आबादी है, छोटा जरूर है मेरा गांव, मगर मेरा गांव पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे बच्चे, सभ्य गांव, शिक्षित गांव, और जहां तक सर्विस का सवाल है, मेरे छोटे से गांव में 2,500 की आबादी में लगभग 50 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। जिसका अगर रेशू लगाया जाए तो अन्य गांव में बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल से रहेगा। उसकी वजह यह है, उसकी सबसे ज्यादा खासियत यह है कि मेरे गांव में मेरे दादा इंग्लिश पीरियड में टीचर थे, उन्होंने अपना जो मदरसा या स्कूल कहिए वो गांव में चलाया और उससे लोग पढ़े और आगे सीखे, और उसके बाद फिर मेरे पिताजी टीचर हुए, वो भी जूनियर स्कूल के हेडमास्टर रहे मधुलगन में, और वो बहुत अच्छे शायर रहे, अरबी फारसी और उर्दू के बहुत अच्छे शायर। उन्होंने 17 दीवान यानी 17 पुस्तकें लिखी, उनका नाम मंजिल लोहा ठेरी। अच्छा मंजिल, मंजिल लोहा ठेरी। अच्छा ओके। और उनका तकल्लुस था मंजिल लोहा ठेरी, और जमीलुद्दीन के नाम से भी उनको जाना जाता था। अच्छा, जमीलुद्दीन, जमीलुद्दीन। तो सर आपको भी क्या शायरी का जी था? मेरा खानदानी पेशा होने के नाते मैं गजल लिख भी लेता हूँ और गजल कह भी लेता हूँ। तो सर प्लीज जैसा कि ये वीडियो बन रही है तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी शायरी या गजल से मंत्रमुग्ध कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस कठिन परिस्थिति के दौर में उस हिसाब का ही शेर आपको सुनाऊंगा जैसा दौर चल रहा है। वैसे तो मेरे पास बहुत से शेर है, बहुत से है, मगर ये जो शेर सुनाऊंगा आपको ये इसी दौर का है। आदमी को कितनी परेशानियां और कितनी उलझने हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए ये मेरा शेर है। हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना, हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना, दो चार बरस तो बुढ़ापा नहीं आता। क्या बात है, दो चार बरस तो बुढ़ापा नहीं आता। बेशक तो ये इस वक्त जो महंगाई की माल है उसकी वजह से मैं क्या, आप क्या, दुकानदार क्या, मजदूर क्या या सर्विस वाला क्या, सब परेशान है। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें परेशानी में एक धैर्य रखकर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, और जो मेरा पेशा है शिक्षा देना उसके प्रति मैं बहुत सजग। क्या बात,
और सजग होना भी चाहिए सर। अगर आप ही सजग नहीं होंगे तो फिर समाज सजग कैसे बन पाएगा, क्योंकि आप तो वो स्तंभ हैं जिसके आधार पर हम सब युवाओं का जो भविष्य है वो आगे जा रहा है, क्योंकि आप एक हेडमास्टर हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर, या आप हेडमास्टर लाइफ में खुद बनना चाहते थे या कहीं ना कहीं किसी और ने आपको प्रेरणा दी ये बनने की? देखिए, इसमें तो ये है कि हमारी सीनियरिटी के हिसाब से हमको हेडमास्टर बनाया जाता है, और जिसकी जैसी सीनियरिटी होती है उसके हिसाब से प्रोन्नति उसकी होती है। रहा सवाल इस बात का कि मेरा ये जो खुद का मानना है और लगभग मेरे साथियों का, जो मेरे ब्लॉक के हैं, जनपद के हैं, उन सब का, आज का टीचर बहुत मेहनती है। अगर उससे सिर्फ शिक्षक गाली कराया जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि कोई भी आदमी किसी भी तरह से हलाल की नौकरी ना लेना चाहे। बिल्कुल लेना चाहेगा, कोई नहीं चाहता कि मैं आजकल आज के दौर में हराम का पैसा लूं। मगर मजबूरी कहाँ आ जाती है? मजबूरी वहां आ जाती है कि हमसे वो काम छूट जाते हैं, सरकार हमसे दूसरे काम लेना शुरू कर देती है, तब हमारे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ होने लगता है। मेरे साथ 9 टीचर हैं और 9 टीचर में मेरे 9 के 9 को टीचर इतने मेहनती हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं। मोहम्मद यासिर इरफान सहायक अध्यापक गणित के टीचर हैं, जनपद में माने हुए टीचर हैं और बहुत कोशिश करते हैं, और जब भी वो स्कूल पहुंचते हैं टाइम से पहुंचते हैं और पूरा टाइम ये चाहते हैं कि बच्चों को एक मिनट से मुझे ब्लैक बोर्ड से ना हटाया जाए। मगर मजबूरी ये है कि घंटा जब बजता है तो मुझे उन्हें हटवाना पड़ता है। ऐसे ही मेरे विज्ञान टीचर हैं श्री धनप्रिय गौतम, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, एक पल भी उन्हें गवारा नहीं है कि हम बैठे की तनख्वाह ले लें। ऐसे ही मेरी शाहिना इशरात इंग्लिश टीचर हैं, वो भी बहुत मेहनती हैं। यानी कुल मिला के मैं कहूँगा मेरे साथ जो 9 टीचर हैं, 250 बच्चे हैं लगभग मेरे जुना स्कूल में, 9 टीचर हैं मेरे, 9 टीचर मेरे 9 टीचर, कोई टीचर मेरा ये नहीं चाहता कि हम अलीगढ़ छुट्टी ले लें या टाइम से ना पहुंचे या हम कोई बच्चों कि कोई कमी रह जाए जिससे बच्चे ये ना कह पाए कि आज बादशाह ने पढ़ाया है। बिल्कुल, क्या और जब ये कार्य करके मैं घर लौटता हूँ तो मैं अगर भूखा भी होता हूँ तो मेरा दिल और मन और पेट इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि मैं समझता हूँ कि आज दुनिया की दौलत मुझ में। बिल्कुल, क्या बात। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुन भी रहे हैं कि सर की आवाज कितनी बुलंद है, लगता है कि एक्चुअल में हेडमास्टर ही है और ज्यादा से ज्यादा ये अपने स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अगर टीचर भी कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो उसको भी चिल्ला देते होंगे, जिसकी वजह से हमारे सर की आवाज इतनी तेज है कि लगता है कि हाँ, जुनून है, जज्बा है आज भी जीने का। बस जीने का जो जज्बा है ना, यही अगर इंसान के अंदर हो तो 100 साल तो क्या, वो तो 150 साल के ऊपर कर जाए तो भी इसके लिए कम होता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सर से मिलके, हेडमास्टर साहब से मुलाकात होके, मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और ये इनिशिएटिव को जिस तरीके से मैंने आगे बढ़ाया उसमें हमारे हेडमास्टर भी आए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, तो क्या सर आप भी क्लास लेते हैं? जी हाँ, मैं क्लास लेता हूँ। कौन से? और मैं हिंदी का क्लास लेता हूँ कभी कभी, मुझे टाइम तो नहीं मिल पाता, काम इतने हैं, हेडमास्टर साहब को बहुत काम होते हैं, कहीं DVT का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और दूसरी बात यह है कि मेरी एज अब 62 साल होने जा रही है और 62 साल की एज में अब ये जो मेरे यहाँ नए नए टीचर आए हैं, ये चाहते हैं कि आप बैठें हमसे, आप हमारी गाइडेंस करें कि आप हम कैसा काम कर रहे हैं, तो वो मुझे काम कम करने देते हैं। मगर मैं अपने आप को अभी बूढ़ा नहीं मानता, मैं काम करने में बहुत सक्षम हूँ और मुझे काम करके बहुत खुशी मिलती है। और इस उम्र में मैं ये चाहता हूँ कि जो आदमी अपना मन प्रसन्न रखेगा तो शायद वो बुजुर्ग या बूढ़ा जल्दी अपने आप को महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या आपकी वैसे शुरुआती शिक्षा क्या रही है सर? देखिए, मेरी शुरुआती शिक्षा गांव की रही। अच्छा, गांव। और मैं गांव में एक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा, उसके बाद जब मैंने गाँव से हाईस्कूल किया, ककराला से मैंने हाईस्कूल किया था, हाईस्कूल जब किया था तो उस वक्त मेरी खेती भी बहुत उरूज पर थी, मैं गन्ने का बहुत बड़ा काश्तकार था और गन्ना मेरे यहाँ होता था, और उस वक्त मेरे पिताजी ने ट्रैक्टर भी लिया था, मैं गन्ना न्योरी फैक्ट्री पे एटा में डालता था। अच्छा। हाँ, तो मैं गन्ने का बहुत बड़ा काश्तकार था, मगर साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो दोनों तरफ से मैं अपनी मेहनत कर रहा था। और मेहनत मैंने शुरू से की किसी भी काम में, मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई कैसा भी काम हो, मैं अपने स्कूल में सोया झाड़ू लगा लेता हूँ, मैं अपने कमरे में सोए झाड़ू लगा लेता हूँ, मैं अपने कपड़े सोए धो लेता हूँ,
मुझे कुछ भी संकोच नहीं है। आदमी काम करने के बाद साफ सफाई कर ले तो वो आदमी कोई भी काम कर ले, एक्स वाई जेड काम करे और उसके बाद सफाई कर ले, मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है, कोई संकोच नहीं है। तो मैंने गन्ना डाला और गन्ना डालने के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद मेरे हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आए, 100 में मेरे 98 नंबर आए मैथ में। अच्छा। इस बेस पर मुझे बीटीसी में सेलेक्ट हो गया और उसके बाद मैं अगला चला गया बीटीसी में, वहां मैंने बीटीसी किया। सर, बीटीसी करने के बाद में आप इस पद पे पहुंच पाए? जी नहीं, बीटीसी करने के बाद जब मैं आया हूं तो एक दो साल मेरी सर्विस नहीं लगी, उस टाइम मैंने बीच में इंटर किया। अच्छा। इंटर किया और मेरी फिर 83 में पौड़ी गढ़वाल में सर्विस। अच्छा। 83 में पौड़ी गढ़वाल में मेरी सर्विस लगी, 81 में मैंने बीटीसी किया, 82 में इंटर किया और उसके बाद मेरी वहां पौड़ी गढ़वाल में सर्विस लग गई और वहां मैंने सर्विस की एक साल। उसके बाद जनपद बदायूं में 84 में मेरी जनपद बदायूं में सर्विस और वहीं मैंने 85 में जो था बीए किया, प्राइवेट मैंने बीए किया और उसके बाद फिर मैं लगातार शिक्षक कार्य के मैं सक्षम रहा। तो सर, जैसा कि आप शिक्षक कार्य से 62 साल हो गई, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इंसान को बच्चे को तो एक्सपीरियंस सिर्फ 7 साल के बाद से ही होने लगता है, तो मैं आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहता हूँ कि सर, हेडमास्टर का काम जैसा कि लगता है लोगों को बहुत अच्छा है और बहुत सैलरी हाई फाई है, क्या वैसा कुछ है या ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है? देखिए, बात तो ये है कि सैलरी का जहां तक सवाल है, अगर हम काम करते हैं और सैलरी हमारा हक है, हमें मिल रही है, हाँ सैलरी जितनी मिल रही है लगभग हमें उतना काम भी करना चाहिए और काम से। बस मैं आपको यही टोकता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि वैसा हमें काम भी करना चाहिए, मैं वही पूछना चाहता था आपसे कि क्या एक्चुअल में आपने अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया कि जो भी टीचर आपके अंडर में काम कर रहे हैं क्या वो काम कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे हैं? जी मैम, देखिए मैं एक बात कहूंगा, लोग कहते हैं अक्सर कि बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहते हैं और ये टीचर भी कहते हैं, बिल्कुल, और गांव वाले भी कहते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर काबिल टीचर है और योग्य टीचर है या योग्य वक्ता है, प्रवक्ता है, और उसकी बात करते पे अगर कोई बात बच्चा या कोई मनुष्य कहीं भी बात कर रहा है तो उसमें कमी है जो कि वक्ता या टीचर है, क्योंकि मैं टीचर में कमी है, टीचर में कमी, क्योंकि मैं ऐसा टॉपिक लाऊंगा, ऐसी चीज न लाऊंगा मैं निकाल के जिसमें बीच बीच में मैं बच्चों का मार्गदर्शन अपनी तरफ खींचूंगा, जो कि दूसरे से बात करने की उनको हिम्मत ही ना हो, हिम्मत ही ना हो। मैं जब भी खड़ा होता हूँ मंच पे, मैं ये पहले कहता हूँ कि अगर मेरी तकरीर में या मेरे भाषण में कोई बोल दिया तो मैं तकरीर छोड़ दूंगा। क्या बात है, दैट इज द पॉइंट, देखिए तो आप खुद ही लोग देख रहे हैं। और यही मेरा क्लास है, अगर क्लास में भी बच्चा मेरे क्लास लेते हुए बोल रहा है तो मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ? हेडमास्टर साहब हम लोगों को डांटने रहे हैं, बल्कि जगाने की कोशिश, ये मेरा और ये मेरी तेज आवाज मशहूर है, जनपद में मशहूर है, ब्लॉक में मशहूर है, और तेज आवाज की वजह से ही मैं जो हूँ सक्षम भी हूँ और मैं खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपको जैसा कि आप हेडमास्टर हैं, टीचरों में बहुत कमियां भी देखते होंगे, बहुत अच्छाई भी देखते होंगे, अगर कमियां देखते तो प्लीज उस वीडियो के माध्यम से बताइए कि ताकि शायद आने वाले जो टीचर हैं उस कमियों को सुधार सके। देखिए, मैं यही टीचरों के लिए यही कहूंगा, मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, ये जाते हैं कि ये बच्चा नहीं सुन रहा है, वो बच्चा नहीं सुन रहा है, और ये बच्चा बहुत शरारती है, वो बच्चा बहुत शरारती है। देखिए, बच्चा अगर शैतानी नहीं करेगा तो हम थोड़ी शैतानी करेंगे 50-60 साल वाले, बच्चा तो शैतानी करेगा ही, काबिलियत तो हमें होना चाहिए, तो उसकी शैतानी को हम शिक्षा में कैसे बदल लें, उसकी शैतानी को हम शिक्षा में कैसे बदल लें? अरे हम उसकी शैतानी को अगर शिक्षक काबिलियत में बदल लें तो यही हमारा शिक्षक रूप है। हम ये नहीं मानते कि बच्चा शैतान है, हमें कमी है, दूसरे को ब्लेम ना करके अपने आप में कमी, हम इतने एक्टिव बने, हम इतने होशियार बने कि उसकी शैतानी में भी उसे पढ़ाई दिखा दें। क्या बात है, ये होता है जुनून, मतलब अभी तक की मैंने जितनी भी वीडियो करी है मुझे लगता नहीं है कितनी भी इतनी एनर्जी से बोला हो। सर, मैं भी आपसे फ्रेंडली बोल रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं हेडमास्टर साहब से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं वो नौजवान व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसकी आवाज में इतनी बुलंदी है कि वो तूफान मचा देगा पूरे देश में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वीडियो में देखने वाले जो लोग हैं इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और टीचरों के पास में शेयर करें कि ताकि वो हमारे हेडमास्टर साहब की लिखी हुई कही गई बातों को अमल करके एक अच्छा और एक होनहार वक्ता बन सकें। तो सर,
आपने अभी जैसे कि कमियां बताई, तो मैं चाहता हूँ एक दो तीन जो कमियां हैं जो मुझे लगता है कि टीचरों में है, कि कहीं ना कहीं वो टीचर अपना टाइम तो दे रहे हैं बच्चों को लेकिन फिर भी टाइम नहीं दे रहे हैं। मतलब ये कि वो पढ़ाने के दौरान पढ़ाते तो हैं लेकिन इतना एक्टिव होके नहीं पढ़ाते, जिसकी वजह से बच्चा भी उनमें एक तरीके से इंटरेक्ट करे उनके साथ में। वो बस आते हैं, टीचर उनका क्या काम होता है कि हमें आना है, बैठना है, मोबाइल देख लिया बस एक दो बार, अच्छा व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, बस बच्चों को एक दो बार खड़ा कर दिया, हाँ भाई बताओ क्या सवाल था इसका, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपने तो मुझसे ज्यादा देखा है सर, तो देखिए मैं ये कहूंगा कि आपने जो कहा कि टीचर में क्या कमी है, टीचर में कोई कमी नहीं है, टीचर आप बिल्कुल ये ना कहें टीचर में कमी है, टीचर में कमी नहीं है, कमी काम लेने वालों में है। हमसे इस तरीके से काम लेते हैं कि हमें इतनी घबराहट पैदा करा देते हैं ये सरकार वाले और ये अन्य विभागों वाले कि हम अपना असली काम भूल जाते हैं। अच्छा, असली काम भूल जाते हैं, जैसे कि राशन वितरण, किसान राशन वितरण कराइए, एसडीएम साहब आ रहे हैं, हम भूल गए बच्चों को छोड़ दिया कोटेदार के पोस्ट पे, राशन वितरण करा रहे हैं, बीएलओ का काम कराइए, किसान एसडीएम साहब आ रहे हैं, बीएलओ को बोर्ड बनवाना है जल्दी वहां जाइए, बच्चे छोड़ना पड़ रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमको जनगणना की है, पोलियो की है, और साहब तुम्हारे की है, अब ये COVID-19 का इसका इसमें ड्यूटी करना है, तो हमको तो उन्होंने एक तरीके से एज ए टीचर रखा ही नहीं। अगर वो हमें सिर्फ शिक्षक गाली दें तो मैं मानता हूं मेरे टीचर में कोई कमी नहीं है, मेरा कोई टीचर मेरे जनपद का, मेरे स्टेट का, मेरे देश का कोई टीचर मेरा ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैंने जो आज पैसे लिए हैं, मैंने जो आज मजदूरी ली है वो मेरी मजदूरी हलाल की नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आप निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं तो आपको आज बड़ी खुशी हो रही मेरा इंटरव्यू लेने के बाद, ऐसे ही मेरा टीचर बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई नाजायज पैसा उसके घर में जाए। नाजायज पैसा 20 तरीके से निकलता है, दवाइयों में निकलता है, लाखों तरीके से निकलता है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ मेरा कोई टीचर नहीं चाहता कि हमारा पैसा, मगर सरकार हमसे जो थोड़े बहुत काम सीमित काम ले ले हमसे हमारा शिक्षक कार्य कराए। तो मतलब बेसिकली आपका ये कहना है कि अगर टीचर को बनाया है या उसे पर लेकर आए हैं तो उसे वही काम करा है ताकि वो अपना सारा फोकस वो दे सके वरना वो दे ही नहीं पाता। और यही हमारे साथ हो रहा है, पब्लिक भी यही सोचती है, फिर ये अरे मसाब आए अब हमने गाड़ी निकाली हर स्कूल से, हम चले गए राशन बंटवाने, पब्लिक समझ रही जनाब ये गए घर को चले गए, अब उन्हें क्या मालूम बेचारों। एट द एंड ऑफ द वीडियो सर, जैसा कि बहुत ही जबरदस्त आपके साथ में इंटरेक्शन हुआ, वार्तालाप हुआ और इसको हमने कैप्चर भी किया, मैं वीडियो में सुन रहे व्यूअर्स से कह दूं कि अभी जो है हमारे सर ने जिस तरीके से अपनी वाणी को रखा है, हम चाहते हैं कि उस वाणी से आप कुछ लोग सीखें, हम चाहते हैं वो टीचर जो है जो आने वाले वक्त में अपने आप को आगे रखेंगे वो हमारे टीचर हमारे हेडमास्टर साहब की बात को फीडबैक के रूप में लेकर अपने आप को सुधार कार्य करें। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो सर, कि वीडियो का अब जो है हम समापन कर रहे हैं, तो प्लीज हम चाहते हैं कि एज अ हेडमास्टर आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं। जी देखिए, बच्चों से हम यही कहेंगे कि अगर बच्चा स्कूल के लिए नहीं करता है, और स्कूल अब तो हर बच्चा समझदार भी है और बच्चे पहले भी समझदार थे, साथ साथ माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे को नहला धुला के अच्छे से स्कूल भेजे, और बच्चा जब स्कूल आता है तो हम अपने आप में और बच्चों में इतनी स्फूर्ति और जागरूक कर दें, उन्हें जागृत कर दें कि बच्चा आते ही हमसे एकदम घुल मिल जाए और पढ़ाई का माहौल तैयार कर दें और बच्चे को हम अच्छे से पढ़ाएं और बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने जो कि हमारा नाम लेगा, देश का नाम होगा और देश का गौरव ऊंचा होगा। सीधी बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर हम बच्चे से कह दें कि आम का नीम, तो बच्चा तो आपकी बात नहीं मानेगा, आप भले ही उसके पिता हमारी बात मान जाएगा। तो इसलिए हमको भी बच्चे को बहुत सोच समझकर और सही डायरेक्शन देना है, जिससे बच्चा कभी ये ना कहे गुरुजी ये गलत बता रहे, ऐसा नहीं है, गलतियां हो सकती हैं, गलतियां हो सक्ती हैं, पर टीचर मेरे सक्षम है। और मैं यही कहूंगा कि बच्चे को अगर हमने गले लगा लिया और बच्चे से हमने प्रेम से बात कर ली तो शायद बच्चा हमें कभी नहीं सुनेगा। क्या बात है, ये हमें मैसेज आगे तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि ताकि लोग इस अमृत की धारा से वंचित ना हो पाए।
ये जो हमने अमृत की धारा को प्रवाह करता है करा है और करते रहेंगे जब तक आप सभी लोगों का साथ है हमारे साथ में।